प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ, और भी सुधार करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। हर स्तर पर करेंगे इस कार्यक्रम को। अब ऐसा नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि इन 4 जनपदों में देंगे बाकी और 71 जनपद अंधेरे में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आज तो प्रदेश के अंदर हरेक को इन सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। हम लोगों ने शिक्षा में 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न अब तक किया है, और ये प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर भरण पोषण भत्ता, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए अगर हम देखेंगे, दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान में 11,00,000 से अधिक दिव्यांगजनों को आज 1,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। महोदय, पहले पेंशन केवल 300 रुपये मिलती थी, फिर इसको हमारी सरकार ने 500 किया, और आज हम इसको 1,000 रुपये यानी 12,000 रुपया सालाना हर एक दिव्यांगजन को उपलब्ध करवा रहे हैं। कुष्ठावस्था पेंशन 3,000 रुपये मासिक प्रदान की जा, मासिक उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, इसमें 2016-17 में 16 तक महोदय यह संख्या मात्र 17,31,000 थी, आज निराश्रित महिला पेंशन में 15,31,000 नए लाभार्थी जोड़े गए, यानी अब 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा सरकार उपलब्ध करवा रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो गरीब इलाज कहां कराएगा? जो एम्बुलेंस चलाई गई थी 108-102, और जो बहुत मेडिकल चीजों से इक्विप्ड एम्बुलेंसेस थी, आखिरकार समय पे क्यों नहीं पहुंच रही है? आप फोन करते रहिए, एम्बुलेंस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी कुछ पता नहीं है। कई मरीज दम तोड़ देते हैं अस्पताल पहुंचने से पहले। अगर सरकारी, चाहे लोहिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे बलरामपुर हो, इसकी ओपीडी तो आपको पता है, लेकिन कभी प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स की ओपीडी देखोगे तो आपको दुख होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का, खासकर ईस्टर्न यूपी का पूरा मरीज भागता चला रहा है लखनऊ की तरफ। और कई बार हमने देखा है, हम लोगों ने खुद सिफारिश की है, कहते हैं पीजीआई में बेड दिलवा दो, और पीजीआई में अगर बेड नहीं मिलता तो मेदांता में दिलवा दो। क्या प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो पाएगा? प्राइवेट लोग सरकार से डरते हैं। ये मेदांता हॉस्पिटल जो आप लखनऊ में प्राइवेट देख रहे हैं, आप अगर किसी की देन है तो वो नेताजी और समाजवादी सरकार की देन है, किसी और की देन नहीं है। अगर नेताजी जमीन न दिलवाते, और जो आपको टाउनशिप दिखाई दे रही है, हाईटेक सिटी दिखाई दे रही है, वो नेताजी की देन है। ये जो आपको टाउनशिप बड़ी वाली दिखाई दे रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जिसको आसपास आप दिखा रहे थे कि लैंड बैंक है हमारे पास, ये कुछ है, ये हाईटेक सिटी का कॉन्सेप्ट, हाईटेक सिटी की प्लानिंग अगर किसी के समय आई है तो वो नेताजी के टाइम पर आई थी। वही आपको दिखाई दे रही, वही पर मेदांता है, बगल में लुलू मॉल, नेता सदन गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे, और प्रदेश को अच्छा लगता अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में होता। आप स्टीयरिंग पे नहीं थे, आप बगल में थे। लुलू मॉल वो समाजवादियों की देन थी, उसकी वजह से लुलू मॉल लखनऊ में दिखाई दे रहा है। प्रदेश का स्टीयरिंग था ना क्या? एक मॉल बना, अध्यक्ष महोदय क्या हुआ, अध्यक्ष में सुन नहीं पाया, मैंने कहा प्रदेश का पूरा स्टीयरिंग वो संभाल रहे। नहीं, मैंने अध्यक्ष महोदय गलत नहीं कहा, अध्यक्ष महोदय मैंने ये कहा कि बगल में ना बैठे होते और स्टीयरिंग खुद रखे होते हाथ में, तभी तो ये इनको इकोनॉमिक एडवाइजर बता रहा है कि 34% ग्रोथ रेट हो जाएगी, और डेलॉयट हायर करना पड़ रहा है आपको, 200 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं आपको, 200 करोड़ नहीं देने पड़ते। लुलू मॉल, और आपके यहां का भी अध्यक्ष महोदय नवीन मार्केट,
मैं चाहता था पार्किंग से लेकर के सुंदर बन जाए, अच्छा बन जाए, कम से कम लोग आए, कुछ समय गुजारे, शॉपिंग करने में आसानी हो, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अर्बन सेंटर्स भी बने, समाजवादी की कोशिश थी कि अर्बन सेंटर बने। और कई बार ये बात होती है कि सरकार अच्छी चीज नहीं बना सकती, सरकार की चीज ऐसी चलती है, काम चलाऊ बनती है। इसलिए उस चैलेंज का अध्यक्ष महोदय मैंने स्वीकार किया और लखनऊ को जो आवास विकास के बजट से, सरकार के बजट से मैंने एक मॉल बनवाया था जो आज प्लस ये मॉल हो गया। मैं तो कहता हूं ये माननीय सदस्य शायद कोई छूट गया हो जो उस मॉल में ना गया हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, चाहे हमारे विपक्ष के साथी हो। आज भी आसपास के शहरों में और दिल्ली तक से बेहतर मॉल अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वही जो समाजवादियों ने कभी केवल बनाया था। आपने तो केवल एक काम किया, उसको बेच दिया। नेता सदन को पता लगा बिका कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्योंकि नेता सदन के जिस माननीय सदस्य संबंध अच्छे हैं उसने एक पत्र लिखा था, उसकी जांच कभी नहीं हुई।